हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये देखिए, मैंने रिबन एम्ब्रॉयडरी से ये मेरा स्वेटर था जिसमें कुछ भी बना नहीं हुआ था, तो मैंने इसको थोड़े से रिल लगा के इसको अच्छा खासा अपग्रेड कर दिया है। मैं फ्लावर्स बना दिए हैं रिबन एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से, और इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है। थोड़ी से सामान से आपका अच्छा एक नॉर्मल स्वेटर बहुत ही अच्छा लगेगा, तो जिसको पहनने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसको और ज्यादा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा स्वेटर एकदम नॉर्मल था, इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं बनी थी, तो इसीलिए मैंने इसको अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा मटेरियल लिया। बहुत ज्यादा इसमें मटेरियल नहीं लगता है, थोड़े से सामान से आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, रिबन लगेगा, रिबन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, फ्लावर्स के लिए बड़ा रहेगा। और ये देखिए, हाँ, जो हाँ सर्कल है ये मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर दी। रिबन एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है, आप हल्का सा ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ आपको फूल पत्ती चाहिए, जहाँ फ्लावर्स चाहिए, वहाँ पे सर्कल बना दिए जैसा कि पहला गोला नज़र आया था, और सीधे मैंने डाल बना देंगे, और जो तिरछी तिरछी लाएंगे उसमें हम पत्ती बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पत्ती बनाएंगे। पत्ती बनाने के लिए जैसे कि आप उल्टी बखिया करते हैं उसी तरह आपको करना है। कि आपने पतले रिबन से आप डाल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, मोटे रिबन से अलग तरह की बनती है। मैंने डाल बनाने का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है। तो ये देखिए, जैसे उल्टी बखिया बनाते हैं हम लोग, उसको उसी तरह बनाना है। और ये देखिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारा आपको रिजल्ट निकलेगा। और जो आप एक धागा डाल लिए तो उसको थोड़ा सा खींचिए ताकि थोड़ा टाइट रहे। आप चाहे तो खाली डाल डाल बना के ही स्वेटर पे डिजाइन बना सकते हैं। डाल बनाइए ढेर सारी, उसके ऊपर एंड्स में मोती रख दीजिए, स्टोन रख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं बनाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। बस उल्टी बखिया करनी है, इसको बैक स्टिच कहते हैं। उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहिए तो लिंक में जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको बैक स्टिच नहीं आती है तो उसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। और इसी तरह हम लोग पूरे से कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरी ये पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह मैं अपनी पूरी डाल कम्प्लीट कर लेती हूँ और फिर फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरी डाल बना ली है और अब मैं फ्लावर्स देखिए बनाऊंगी। मैं येलो कलर का फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर बहुत ही बनाना आसान है, जहाँ से भी है, जितना बड़ा आपको चाहिए आप इसके बीच में से निकालिए नीडल। और ध्यान रखिए कि शाइनी वाला पार्ट आगे होना चाहिए, सीधे साइड होना चाहिए, उल्टा रहेगा तो उल्टे रिबन से बन जाएगा। तो ये सीधा, ये देखिए मैं सीधा कर रही हूँ। और जितनी बड़ी आपको पत्ती चाहिए, या तो आप मेजर टेप से मेजर कर लिया अंदाज से, उसके ऊपर नीडल डाल के उसे आपको खींच लेना है। स्वेटर है, थोड़ा सा खींचने में परेशानी होगी, मगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसी तरह आपको खींचना है, और इसी तरह आप बड़ी पत्ती भी बना सकते हैं। इसी तरह आप डाल के बाद पत्ती बनाते हैं भी बना सकते हैं, और फूल का पेटल भी इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी वैरायटी चाहिए पत्ती के लिए रिबन एम्ब्रॉयडरी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर उसका एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी। एकदम बेसिक वाला है, इससे गुलाब भी बहुत अच्छा बनता है, बट मैं सबसे पहले आपको एकदम बेसिक आसान वाला सिखा रही हूँ। थोड़ा सा स्वेटर है तो खींचने में परेशानी होंगी, बिकॉज फ्रेम भी बहुत टाइट नहीं लगेगा, क्योंकि फैब्रिक और स्वेटर में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट थोड़ा सा पेशेंस रख के आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर बना सकते हैं। चाहिए तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले पुराने स्वेटर पर ट्राई करिए और फिर उसके बाद नए पे आइए, ताकि आपको बार बार खोलना ना पड़े।
और अगर आपको कलर नहीं समझ में आ रहा आप अपने स्वेटर पे कौन सा कलर लगाए, तो आप कलर कार्ड को यूज़ करिए, उससे बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा फ्लावर तैयार हो गया। अब मैं आपको पत्ते बना के दिखाती हूँ। ये फ्रेंच नॉट मैंने बीच में बनाया है, अगर आपको फ्रेंच नॉट नहीं आती तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। तो ये पत्ते बनाना बहुत ही आसान है, जैसे आपने फ्लावर्स बनाया है उसी तरह बनानी है। पत्ती बनाने के लिए मैं 1 इंच का रिबन यूज़ कर रही हूँ बड़ी पत्ती के लिए, और छोटी पत्ती के लिए मैंने 1/2 इंच का रिबन यूज़ किया है। देखिए जैसे हम लोगों ने फ्लावर्स की पत्ती बनाई थी उसी तरह हम लोग तरह भी पत्ती बनाएंगे। हम लोग 3 पत्ती बनाएंगे, 3 पत्ती गुच्छे में थोड़ी अच्छी लगती है। लोग इसको अपने हाथ से पकड़ लिए और दूसरे हाथ से दबा के ले आप अच्छे से चेक कर लीजिए। और ये पूरे फूल बनाने के बाद आप सारे रिबन को पीछे लाइटर से की हेल्प या फिर अगरबत्ती से उसके एंड्स को जला दीजिएगा ताकि वो खुले नहीं। इस तरह खींचना है और ये बनती बहुत जल्दी है, एम्ब्रॉयडरी में टाइम बहुत कम लगता है। और अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आती तो आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बनाया है। अब इसी तरह ये साइड की मैंने एक बार आपको पत्ती दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पत्ती बनेगी। के बीच से एक पत्ती निकालेंगे। एक डालों के दो डाल के बीच में एक बड़ी पत्ती। अब छोटी पत्ती भी इसी तरह बना सकते हैं जैसे कि मैंने ये बड़ी पत्ती बनाई है। मैं आपको एक एक पार्ट बता रही हूँ और बाकी क्रिएटिविटी आपके हाथ पे है। ये देखिए ये मैंने क्रीम कलर का फ्लावर बनाया है और यहाँ पे इसके बगल में मैं एक येलो कलर का फ्लावर बना दे रही हूँ। अब बड़ा छोटा वो पूरा आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए ये मेरा स्वेटर कम्प्लीट हो गया है। ये सारी पत्ती डाल फ्रेंच नॉट यहाँ पे अभी मैं बाद में मूव कर दूंगी, ये स्टोन जो भी करे। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।